Hello students, in the last class we discussed question number 1, 2 and 3 of your exercise 3.4. Now we are going to discuss your question number 4, 5, 6 and of exercise 3.4. I want all of you to complete your exercise as well as illustration. There are a number of students who are quite regular with their homework, but there are a few students who are not completing their homework on time. See students, Rome is not built in a day. So I want all of you to put efforts every day. This is the new method of learning now. So you consider this, जो भी मैं आपको videos consider देती हूँ, that is should be considered as your regular class. So complete your homework and be regular with your you can say homework. जिससे monitors उसको assign जो भी monitors को मैंने work assign किया है, they can do it properly. ठीक है? So I want all of you to complete your homework and let us complete your exercise. Let us start with it. So today we are going to do your question number 4, sorry, question number 4, 5 and 6. Now in question number 4, we are given more than type of cumulative frequency. हमको कौन सी दी है? More than type of cumulative frequency दी है. And to solve the sum, we need to have less than type of cumulative frequency. We solve the sum of median, क्वार्टाइल, डेविएशन, परसेंटाइल जो भी सब है, हम लोग लेस देन टाइप ऑफ यू कैन से क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की जरूरत पड़ती है. अदर देन दैट इन दिस सम द वैल्यू इज नॉट गिवन इन क्लास. जो है क्लास आपकी, मैंने जैसे बोला मोर देन टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यू दी हुई है. दैट इज़ वाई वी हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट वी हैव टू गेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस वैल्यू एंड देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द You can say less than type of frequency distribution. Okay, so let us start with it. I have already written the sum over here. You can see it is, I hope it is visible to all of you. 5 or more 120, 10 or more 117, 15 or more 106, 20 or more it is 76, 25 or more 31, and 30 or more 12. So 5 or more means it is including 5 to 30 ki jitni bhi value hai, everything is included over here, that is 120. है ना, यानी कि सैलरी 5,000 से लेके 30,000 तक की जो भी सैलरी है उसकी वैल्यू, दैट मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स इज 120. तो इट इज़ मोर देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो फर्स्ट आई हैव टू कन्वर्ट दिस मोर देन टाइप इन टू द लेस देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो वॉट आई विल डू इज आई विल फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो फॉर फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट केस आई विल यू कैन से, मैं आपको करके दिखाती हूँ. आई विल यू कैन से रिड्यूस 120, ये क्या है, मोर देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनट, यहाँ पर एक चीज़ और रह गई कि भाई आपको पहले इसको क्लास में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना. सो यू हैव टू कन्वर्ट, फर्स्ट यू हैव टू राइट द क्लास, क्योंकि क्लास भी नहीं है मैंशनड है. तो फर्स्ट वी विल राइट द क्लास. क्लास की वैल्यू क्या रहेगी, वी हैव टू टेक डिफरेंस ऑफ, ये 5 और मोर है ना, तो 5 टू 10, देन 10 टू 15, 15 टू 13, लाइक वाइज वी विल टेक अ क्लास इंटरवल ऑफ 5, 5 का क्लास इंटरवल से वी विल फाइंड आउट. इट इज़ 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25, एंड 25 टू 30. नाउ यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट का कितना दिया है, 120. इट इज़ 120 टू किसका है, फ्रॉम 5 टू 30 का, बट हमको 10 तक ही चाहिए. तो क्या करेंगे हम लोग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 एंड मोर इज 120 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 एंड मोर इज 117. सो आई विल रिड्यूस 120 माइनस 117. मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा, सॉरी. 5 टू 10, एक में समझा देते थे, 5 टू 10 और 10 टू 15. ठीक है, तो 5 टू 10 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 120. एंड सॉरी, 5 एंड अबोव की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 120 है एंड 10 एंड अबोव की फ्रीक्वेंसी 170. तो अगर मुझे 5 और टू 10 की वैल्यू चाहिए तो आई विल रिड्यूस 120 माइनस योर 117. ये 117 है, इट इज़ 117. ओके, सो व्हेन वी विल रिड्यूस आई विल गेट आंसर एज 3. समझ में आया? सो
I have already done this thing on your next page. Let us see. See. Salary 5 or more, 10 or more, 15 or more, 22 or more, 25 or more, 30 or more दिया है. Number of employees 5 or more is 120. मतलब it includes 5 to 30 employees are included here. So अब मैंने इसको class interval में divide किया है 5 to 10. So for that what I have to do, I will have to reduce 120 out of 170. So I will get the value of 5 to 10 class. So that would be your 3. As you can say, 120 minus 117 will be your 3. 117 minus 106. 117 minus 106 will be 11. 106 minus 76, that will be 30. 176 minus 31, that will be 45. 31 minus 12 will be 19. And last, 12 minus 0. 12 minus 0 will be 12. So this is your cumulative frequency. अब हमको चाहिए, this was more than type of cumulative frequency. We want less than type of frequency. Yes or no? We want less than type of frequency. That will be less than type of cumulative frequency. Because to do the sum, we always use less than type of cumulative frequency. So it will be 3. 3 plus 11 will be 14. 14 plus 30 will be 44. Plus 45 will be 49 plus 44 plus 45 will be 44 plus 45 will be 89 plus 19 will be 108, it is 0, and 108 plus 12 will be your 120. I want all of you to write this cumulative frequency. अगर गलती से मेरा cumulative frequency delete हो गया तो मैं वापस नहीं लिखूंगी, ठीक है? तो आप लोग पहले cumulative frequency अपनी notebook में लिख लीजिए. Now this much we have completed. More than frequency distribution को क्या किस में convert किया? We converted into less than cumulative frequency. Now you are supposed to find out 20% of the richest people. 20% of the richest employees. ठीक है, तो 20% अगर है तो percentage में दिया है तो we can use percentile. Yes or no? You can use decile also, but percentile अगर percentage में लिया है तो we will make use of percentile. तो it will be 0 to 100. And 0 to 100, अगर मैं यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90 and 100 will give me top 20. वो क्या देंगे मुझे? टॉप 20 की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल फाइंड आउट पी 80. व्हाट आई विल फाइंड आउट? आई विल फाइंड आउट द पी 80 फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, लेट अस स्टार्ट विद इट. ये लोअर लिमिट, यू कैन से टॉप 20 पीपल की लोअर लिमिट क्या होगी? 80. हाइयर लिमिट क्या होगी? 100. और हमको क्या फाइंड करनी है? टॉप 20 की लोअर लिमिट. सो यू हैव टू फाइंड आउट पी 80. गॉट इट? Okay, let us move further. Let me rub some part. Oho. See, mera cumulative frequency chala gaya. Okay, so we will put the formula of P80. What is the formula of P80? It is 80 into N by 100th observation class. N by 100th observation class. That is your N की value कितनी है? The value of N is equal to 120 upon 100th observation class. ठीक है? So that is your 80 into 1.2. That will give you 96th observation. Now you have already written your cumulative frequency. वो मेरा यहाँ पे delete हो गया है. तो you know what is your cumulative frequency class, हम लोग check करेंगे. So you can find out that referring to CF, our P80 class is 25 to
30. Why is it 25 to 30? Because in 25 to 30, our value was 108. ठीक है, और उससे पहले क्या था? It was 89. तो 89 की क्लास में तो आ नहीं सकता. So our value would be 108. Fine. So your class for you can say calculation would be 25 to 30. This is your class for calculation. Should I rub it off? Okay. So our class is 25 to 30. हमें पता चल गया उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सिर्फ मैं लिख देती हूँ, इट इज़ 108 और उसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इट इज़ 89. सो लेट अस पुट द फॉर्मूला इन वैल्यू इन द फॉर्मूला एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ. एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू सी, दैट इज़ योर फॉर्मूला. सो लेट अस अप्लाई द वैल्यू इन योर फॉर्मूला. एल की वैल्यू क्या होगी? एल इज़ योर 25. सो आई विल पुट द 25 वैल्यू. एंड 80 एन बाई टू जो किया था हमने, 80 इन द ब्रैकेट एन बाई 100 विल बी 18 टू एन बाय 100, इट वॉज योर 96 माइनस 89. दिस इज योर सी एफ वैल्यू, 96 अप माइनस 89 अपॉन एफ. की वैल्यू क्या है? इन द सेम क्लास द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वॉज योर 19, हियर इट इज. आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है? 19. एंड क्लास डिफरेंस और क्लास इंटरवल इज योर 5. सो वॉट यू विल डू इज 96 माइनस 89 डिवाइड बाई 19 इंटू 5, वो हमको करना है. उसको वी हैव टू एड इट इन योर 25. सो लेट अस डू, इट विल बी 25 प्लस 96 माइनस 89 डिवाइड बाई 19 इंटू 5 आप करोगे तो इट विल बी 1.84. सो इट विल बी 26.84,000. ठीक है, दिस इज आवर वैल्यू फॉर यू कैन से P80. गॉट द वैल्यू? ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. नाउ व्हाट एल्स हैज बीन आस्क्ड? एक तो पूछा है लोअर लिमिट ऑफ 20 एम्प्लॉयज़, वो फाइंड कर दिया. उसके अलावा उन्होंने फाइंड करने को बोला है मीडियन. मीडियन की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी एन बाय यू कैन से टूथ ऑब्जर्वेशन. मीडियन की वैल्यू कितनी है? एन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ 120 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ योर 60th ऑब्जर्वेशन. कितना है वो? 60th ऑब्जर्वेशन. ओके, सो दिस 60th ऑब्जर्वेशन वी हैव टू फाइंड आउट. इफ़ यू सी इन योर यू कैन सी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्लास, जो मेरा रब हो गया है, यू विल फाइंड आउट इट लाइज इन द ग्रुप ऑफ 20 to 25. बिकॉज इन द ग्रुप ऑफ 20 to 25 आवर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वॉज 89. बिफोर दैट इट वॉज 44. तो 60, 44 में तो इंक्लूड नहीं होगा. इट के नॉट बी इंक्लूडेड इन 44, इट इज़ इंक्लूडेड समवेयर इन द 89. सो दिस विल बी योर क्लास. ओके, लेट मी रब इट ऑफ. तो 20 to 25 इज़ अवर क्लास, मीडियन क्लास. तो अब इसमें से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे. ये क्या है आपका? लोअर बाउंड्री पॉइंट. ठीक है, देन वी हैव यू कैन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका कितना है? इट इज़ 45. एफ इज़ योर 45, एन बाय 260 है. सी एफ रहेगा आपका 30, सॉरी नॉट 30, सी एफ वुड बी योर 44. सी एफ वुड बी योर 44 एंड अपॉन एफ विल बी योर 45 इनटू क्लास इंटरवल विल बी 5. सो लेट अस पुट द वैल्यूज ओवर हियर. हम लोग पहले एल की वैल्यू रखेंगे. व्हाट इज योर एल? इट इज, एल इज योर 20 माइनस एन बाय 2 इज योर 60, यस और नो? अप माइनस सी एफ. तो सी इन द सी एफ कॉलम, अगर आप सी एफ की कॉलम में देखोगे तो सी एफ की वैल्यू कितनी आएगी? 44 अपॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? 45 इंटू 5. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, 60 माइनस 44 डिवाइड बाई 45 इंटू 5 करो एंड देन एड इट टू 20. सो इट विल बी 20 प्लस 1.78. That will give you
21.78। ठीक है, सो मीडियन की वैल्यू कितनी है 21.78 और टॉप 20 पीपल की वैल्यू जो थी लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ टॉप 20 पीपल दैट वाज 26.84। क्लियर विद दिस? ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। सेकेंड सम, नाउ इन द सेकेंड सम, सॉरी नॉट सेकेंड सम, इट वुड बी योर फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में क्या दिया हुआ है? द मंथली एक्सपेंसेस, लेट मी जस्ट, चलो इसको ऐसे ही कर देते हैं, बहुत बार बार घूम घूम कर रहे हैं, अपन ऐसे ही कर लेते हैं। चलो, सो द मंथली एक्सपेंस ऑफ फैम, यू कैन से मंथली एक्सपेंस ऑफ द फैमिली शोज ऑफ 100 स्टूडेंट्स, नॉट अ फैमिली बट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट द मीडियन। नाउ ओवर हियर योर वैल्यू इज गिवन इन लेस देन 200, 200 to 400, 400 to 500, 600, 600 to 700, 700 to 800 and 800 and above. So first of all, what you have to do is, first you have to find out the median class. पहले हम लोग median class find करेंगे, उसके बाद में we will put the formula of median, m is equal to l plus n by 2 minus cf upon f into c. That formula we will put and we will find out. So this one, this question is quite easy. इसमें कुछ भी more than less than नहीं दिया है, तो let us start with this question then. I've already done, written the question somewhere. ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हाँ, this one. See, less than 200, less 200 to 400, 400 to, you can say, 600, 600, 700, 700 to 800, 800 and above. Now we have to find out your number of students ki value aapko di hui hai, 8, 23, 40, 17, 7, 5, that is 100. You have to find out cumulative frequency. First would be 8, second will be your 8 plus 23, that will be 31. Third will be your 31 plus 40 will give you 71. Then you have 71 plus 17 will give you 88. Then 88 plus 7 will give you 95. And 95 plus 5 will give you 100. And this value, you can say total number of students and cumulative frequency of last class interval should be same. Ye dono same hai, that means you have not made any mistake. Cumulative frequency sabko find karni aati hi hai. Now let us put the formula in your median, of your median. Median ka hum formula rakhayenge. Median ka formula kya hai aapka? Median is equal to n by fifth observation. ठीक है, that is your n by 2th observation would be your 100 by 2th observation. That is your 50th observation. तो 15th ऑब्जर्वेशन जो है, अगर हम लोग ऊपर जाके देखेंगे तो यू कैन सी इन योर क्लास इंटरवल इट लाइज समवेयर इन दिस क्लास इंटरवल, यस और नो? सो दिस इज योर मीडियन क्लास इंटरवल। अगर ये मीडियन क्लास है तो इसकी लोअर बाउंड्री पॉइंट जो है दैट इज योर एल, एल हो गया, एन बाई टू हमने फाइंड किया था दैट वॉज 50, माइनस सी एफ, सी एफ विल बी योर 731, दैट इज़ योर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग वेल, यू कैन से क्लास इंटरवल। सी एफ, एफ की वैल्यू होगी आपकी, दिस इज़ योर 40 अपॉन, यू कैन से अप इन टू सी, क्लास इंटरवल कितना है? क्लास इंटरवल ओवर हियर इट इज़ 200, एन इज इक्वल टू योर 200। ठीक है, वी गॉट ऑल द वैल्यूज, लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज इन योर फॉर्मूला। हो जा, ओके, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी। वी पुट द वैल्यू इन योर फॉर्मूला। एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू है आपकी 400 माइनस सी एफ की वैल्यू है आपकी एल प्लस एन बाय टू, एन बाय टू की वैल्यू है 50 माइनस सी एफ की वैल्यू है 31 अपॉन एफ की वैल्यू है 40 इंटू सी की वैल्यू है 200। तो वॉट यू हैव टू डू इज 50 माइनस 31 डिवाइड बाय 40 इंटू 200, फाइंड आउट करो, दैट विल गिव यू
यहाँ पे प्लस है, दैट विल गिव यू 400 प्लस 95, दैट विल बी योर 495 रुपीस. सो द मीडियन ऑफ द यू कैन से एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस इज 495 रुपीस. क्लियर विद दिस? दिस वॉज वेरी इजी सम, कुछ भी इसमें ट्विस्टेड कुछ भी नहीं था. ओके, लेट अस मूव फर्दर टू योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. Following are the data indicating the records of hospital stays in days of 30 patients admitted in the hospital. ठीक है, find the median of the stay. Further, convert this information for continuous frequency distribution, that is inclusive type. You have to make which type of frequency distribution? We have to make the inclusive type of distribution where it starts from 1 to 3. आपकी जो inclusive type of class interval है वो 1 to 3 में start होनी चाहिए. ठीक है, सो यू हैव टू यूज बोथ द फॉर्मूलाज इन दिस क्वेश्चन. फर्स्ट इज योर यू कैन से अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला यूज करना है. वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ अनग्रुप्ड डेटा एंड देन यू हैव टू यूज इन ग्रुप्ड डेटा. फिर आपको किसका फॉर्मूला यूज करना है? ग्रुप्ड डेटा का फॉर्मूला. तो सेम क्वेश्चन विद टू मेथड्स एंड यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन द आंसर कि अनग्रुप मेथड और ग्रुप मेथड में से अगर हम दोनों मेथड से सम को करते हैं तो वैल्यू में कुछ डिफरेंस आता है, दैट वी हैव टू फाइंड. So let us start with this sum now. So first of all, I arranged the value in, as you can say, ascending order. सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू को एक असेंडिंग ऑर्डर में कर लूँगी, जो आपके लिए भी कोई डिफिकल्ट नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में. हियर वन इज रिपीटेड 4 टाइम्स, वन और वन इज रिपीटेड 4 टाइम्स, टू इज रिपीटेड 4 टाइम्स, थ्री इज रिपीटेड 4 टाइम्स, फोर इज रिपीटेड 4 टाइम्स, फाइव इज रिपीटेड 3 टाइम्स, सिक्स इज रिपीटेड ओनली 2 टाइम्स, सेवन इज रिपीटेड 2 टाइम्स, एट इज ओनली 1 टाइम, नाइन इज फॉर 2 टाइम्स एंड 10 इज 2 टाइम्स एंड वन पेशेंट ही स्टेड फॉर 15 डेज. सो टोटल इज योर 30, यू कैन से पेशेंट्स इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ दिस वैल्यू. फॉर सबसे पहले हम लोग असेंडिंग में, अगर हम लोग डिसेंडिंग में भी करते हैं योर आंसर विल बी सेम, बट फॉर क्वार्टाइल एंड डेसाइल योर आंसर वुड चेंज. तो ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ पुटिंग योर वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. ठीक है, सो अब हम लोग फाइंड करते हैं मीडियन. मीडियन इज इक्वल टू फॉर अनग्रुप डेटा योर फॉर्मूला चेंजेस, इट इज एन प्लस वन अपॉन तुथ ऑब्जर्वेशन. दिस इज योर फॉर्मूला, सो दैट विल बी अ 30 प्लस 1 बाय तुथ ऑब्जर्वेशन, दैट विल गिव यू 15.5. कितना आएगा? 15.5 ऑब्जर्वेशन. 15.5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वॉट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू डू द टोटल ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन प्लस 16th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन प्लस 16th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, क्योंकि 15 प्लस 16 डिवाइड बाय 2 करते तो क्या आता है, जो वैल्यू विल बी 15.5. सो वी विल पुट द वैल्यू ओवर हियर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन? लेट अस सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Our 15th ऑब्जर्वेशन इज 4 and 16th observation is also 4. So it will be 4 plus 4 divide by 4 plus 4 divide by 2. That is 8 by 2. That will be your 4 days. So the median for this, you can say data, by formula of ungrouped data is 4 days. Clear? Now you have to make a, you can say class interval mein usko convert karna hai. Ye first method se ho gaya. Let us move on to the second method. Here. Okay. So first, आपकी first class interval उन्होंने बोली थी, it should be 1 to 3, and we have to make the which type of class interval? We were supposed to make the inclusive class interval. So that is why we will make it as 1 2 3. That is class interval कितना है, differences of 3 difference will be there, 1 2 3, then 4 to 6, 7 to 9, 10 to 12 and 12 to 10 to 12 and 13 to 15.
15 is our largest value, ठीक है, and 1 is our smallest value. So it will include all the values as such. So let us put the tally marking. सबसे पहले वैल्यू कौन सी है आपकी? 1. फिर से एक बार 1. फिर से 1. 4 times 1. Then we have 2. तो इसको हम लोग टेली मार्किंग को यू कैन से 5 कर देंगे. देन अगेन वी हैव 2. देन अगेन वी हैव टू एंड 3 टाइम हुआ. देन वी हैव 3. देन वी हैव 3 फिर से आएगा तो दैट विल बी 1 मोर टाइम एंड यू कैन से 5 हो गया. एंड देन 1, 2, 3. दिस इज़ हाउ वी डू द टेली मार्किंग. आपने 9th, 10th में सीखा हुआ है, ठीक है. जिसने नहीं सीखा है मैंने आपको बता दिया. जो हमने अनग्रुप डेटा में डेटा लिया है, जितनी बार आप कितनी बार है 1, 2, 1 से लेके 3 तक हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, उसका हमने टेली मार्किंग किया है, ठीक है. तो ये टेली मार्किंग भी मैंने पहले से कर दिया है सो दैट्स टू सेव अवर टाइम, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है. सी टेली मार्किंग, ठीक है. सो 1, 2, 3 में अवर टेली मार्किंग केम आउट एज 13. 4 to 6 में इट इज़ 9. 7 to 9 में इट इज़ 5. 10 to 12 में it is 2 and 13 to 15 में 1. These are the number of patient and this is your frequency. ये क्या है आपकी frequency, okay? So now we have to convert this frequency and get the value of cumulative frequency. वो भी मैंने कर दिया है. 13 patients है for first, so second it will be 13 plus 9. You can see 13 plus 9 will be 22. Then 22 plus 5 will be 27. Then 27 plus 2 will be 29. And 29 plus 1 will be 30. And over here also the number of total number of patient is 30. So this is what you get. आपको यहाँ पे टेली मार्किंग करनी है, आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. फ्रॉम दैट वी विल फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन एंड द फॉर्मूला फॉर मीडियन विल बी एन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन क्लास, ठीक है. क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल आ जाएगा, दैट इज़ वाई वी हैव टू टेक इट. सो दैट वुड बी योर 30 बाई 2 ऑब्जर्वेशन क्लास, दैट इज योर 15th ऑब्जर्वेशन क्लास. अब हम लोग ये जो आपका 15th ऑब्जर्वेशन क्लास है, वी विल सी इन योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. इट विल नॉट कम इन द फर्स्ट वन, इट विल कम ओवर हियर. सो योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास suggest that your median class is your 4 to 6. Median class कौन सी है? 4 to 6. But now we have, you can say, prepared a inclusive class interval. So we have to come and convert in exclusive. सारा नहीं करना है, सिर्फ यही है. तो for the first one it will be 0.5 to 3.5. Lower boundary point में से minus 0.5, upper boundary point में से plus 0.5, and second will be a 3.5 to 5.5, likewise, ठीक है. So over here the thing is, यहाँ पर आपकी जो lower boundary point है, it is not 4, it will be 3.5. ये आपको याद रखना है, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, but यहाँ पर सिर्फ value मैं आपको put कर देती हूँ. L is equal to your 3.5. देन माइनस एल इज इक्वल एल माइ एल प्लस एन बाई टू की वैल्यू क्या है? एन बाई टू की वैल्यू है 15. सी एफ की वैल्यू है आपकी 22 के ऊपर, सी एफ की वैल्यू है आपकी 13. माइन अपॉन एफ की वैल्यू है रहेगी आपकी 9 इंटू क्लास इंटरवल विल बी योर 3. हमने क्लास इंटर सॉरी यहाँ पर नहीं लिखती हूँ, नीचे लिखती हूँ. क्लास इंटरवल विल बी योर 3. सो दिस आर द वैल्यूज. लेट अस पुट द वैल्यूज इन अवर फॉर्मूला. It is L plus N by 2 minus CF upon F into C. So let me put the value as 3.5 plus 15 minus 13 upon 9 into C. ठीक है, ये क्या है आपका? This is your 3.5. Sorry, यहाँ पे बीच में point नहीं है. This is you can say your lower boundary point. L plus N by 2 की value ये N by 2 है, minus CF की value 13 upon, you can say, ये रही 13, here from here we got 13 divided by 9. This is your 9 over here upon C. C की वैल्यू है 3. C की वैल्यू हमारी क्या है? 3. So let us, अब क्या करना है आपको? 15 minus 13 divided by 9 into 3. Find out the value. It will be 3.5 plus 0.6
7. जब आप 15 - 13/9 × 3 कैलकुलेटर पे करना है डायरेक्ट 15 - 13/9 × 3 दैट विल गिव यू 0.67 दैट विल बी 3.5 प्लस 0.67 दैट इज 4.17 विच इज इक्विवेलेंट टू 4. ठीक है. सो योर कंक्लूजन वुड बी बाय बोथ द हे भगवान बाय बोथ द मेथड्स approximately values are same. Fine. This is all about your exercise 3.4. With this we complete your exercise 3.4. Your homework is complete exercise 3.4 and all illustrations before that. That is your homework. ओके कंप्लीट इट एंड पुट इट इन योर होमवर्क ग्रुप. हम लोगों ने एक होमवर्क ग्रुप बनाया है. मॉनिटर्स उसको मॉनिटर करते हैं और हमें पता चलता है कि किन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया. तो प्लीज़ आप लोग अब सभी बच्चे होमवर्क ग्रुप में ही मैसेज करेंगे. ठीक है. और PDF में करेंगे. स्टे होम स्टे सेफ. गुड बाय फॉर नाउ स्टूडेंट्स.